गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और वीडियोस को और अपनी सीरीज को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं विशाखा जयसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बेटा, आप लोगों की ये जो सीरीज चल रही है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो आपको प्रभाकर सर पढ़ा रहे हैं, और जो सेकेंड यूनिट है जिसके बारे में सेल के बारे में, सेल थ्योरी और ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ाएंगे आपको। तो हमने पहले भी बता दिया था कि 4 यूनिट सर पढ़ाएंगे और 4 यूनिट मैं पढ़ाऊंगी। तो मैं आज जो शुरू करने जा रही हूँ वो आपकी सेकेंड यूनिट है, उसको कंटिन्यू रखिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको। सीरीज को अगर आप पूरा कंप्लीट देखोगे तो आपको लाइन बाय लाइन आपको हर एक चीज समझ में आएगी, लिख भी पाओगे और एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होप आपको ये सीरीज अच्छी भी लग रही होगी और आप इंजॉय भी कर रहे होगे इसको। तो चलिए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए फटाफट, ठीक है? देखो, मैं आपको एक और चीज बता दे रही हूँ कि आपके सेलेबस में सेल के टाइप्स पूछे गए हैं, मतलब कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। बट और आपसे पूछा गया कि सेल की साइज क्या है और सेल का शेप क्या है। तो बाकी आपकी हिस्ट्री, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपको नहीं दी गई है ना? लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस बताते चल रही हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में जो चीज जितनी है मैं उतना ही पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि ये सीरीज है बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों की एनईपी के थ्रू, तो इसलिए उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना एनईपी में मेंशन किया गया है सिलेबस में। अदरवाइज अगर सेल बायोलॉजी की क्लासेस चलती है दूसरी, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस में पूरी हिस्ट्री से लेके हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। बट आपके में जितना है मैं उतना ही डिटेल में आपको बस पढ़ाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा बस पता रहना चाहिए कि क्या चीज है क्या है। एक ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं दिया है सेल साइज, सेल शेप दे दिया तो हम डायरेक्ट उसी पे आ जाएं और उसको पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है? आज हम बात करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल जो वर्ड है, जो सेल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो कहाँ से आया, उसको सेल हम क्यों बोल रहे हैं, सेल शुरुआत कहाँ से इसकी हुई है। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहली जो डिस्कवरी किया गया था, बहुत से साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक के भी पहले, जिन्होंने इसको देखना शुरू किया था। माइक्रोस्कोप की जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे हम सेल के बारे में ज्यादा जानते गए, ठीक है? तो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे 1665 में, उन्होंने पहले बताया कि ये कॉर्क सेल्स जो होती हैं, ये आपको कॉर्क सेल नजर भी आ रही है, ये कॉर्क सेल, मैं एक बार आपको हाइलाइटर के थ्रू दिखाने की कोशिश करती हूँ। आप ये देखिए, ये कॉर्क सेल है, ये कॉर्क सेल का मैंने स्ट्रक्चर देखा। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपके लैब में रखा होता है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्होंने उसकी मदद से, जो कि जिसकी मैग्निफिकेशन पावर सिर्फ 30x थी, मतलब हर एक लेंस की अपनी अपनी एक मैग्निफिकेशन पावर होती है, उस हिसाब से वो क्या होता है, अच्छा होता है और भी अच्छा होता है। आपको 30x है, इनकी एंटोनी वॉन 300x पे किया था। तो जैसे जैसे डिस्कवरी माइक्रोस्कोपी होती गई वैसे वैसे हम सेल के बारे में जानते गए, ठीक है? तो इन्होंने कॉर्क सेल पे जो हनी कॉम्ब लाइक, जैसे अगर आप हनी क्या छत्ता आप देखते हो मधुमक्खी का, तो वैसा हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के जैसा बिल्कुल दिखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जो डिस्कवरी की है वो याद रखने वाली बात है, इन्होंने डेड सेल वॉल पे किया है प्लांट के, ठीक है? बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि डायरेक्ट आप लोग समझते हैं कि रॉबर्ट हुक इन 1665 ये इन्होंने ऑब्जर्व किया है सेल को। लेकिन बेटा सेल ठीक है, लेकिन कौन से सेल को? अगर ऑप्शन में आपके आ जाए डेड सेल, लिविंग सेल, तो आप क्या करोगे? बोथ, नन ऑफ द अबव। तो आप डेड सेल को हमेशा याद रखोगे, रॉबर्ट हुक ने किया है डेड सेल वॉल ऑफ प्लांट, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। और इन्होंने ये बताया, इनको इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्निफिकेशन पावर 30x थी, बहुत अच्छी मैग्निफिकेशन पावर नहीं थी, जैसे हर फोन की अपनी क्वालिटी होती है, मैग्निफिकेशन पावर होती है, मतलब क्लियरिटी, लेंस को दिखाने की क्लियरिटी, ठीक है? वो इनको उसके थ्रू जो इन्होंने कॉर्क लिया था, कॉर्क सेल लिया था, उसको उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उनको क्या नजर आया, उन्होंने कहा कि एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर है। हॉलो मीन्स का मतलब होता है एक लिटिल रूम, जैसे अगर एक रूम है तो उसकी तरफ एक चारों तरफ क्या नजर आ रही है, बाउंड्री नजर आ रही है, ठीक है? तो उन्होंने इसको कह दिया सेलुला। तो सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम, और ये रूम कैसा दिख रहा है, हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, हॉलो स्ट्रक्चर जैसा, लेकिन इनको अंदर कुछ और नजर आ रहा था। वो अंदर ये जो लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है वो क्या है, जूस लाइक, इनको जूस के जैसा दिख रहा था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने इसका नाम जूस दे दिया था, ठीक है? तो यहाँ पर
भी ये सब चीजें पता नहीं थी कि ये जूस लाए, जो जूस ये बोल रहे हैं वो क्या है, लेकिन ये पता चल गया था कि इन्होंने ये बताया कि एक सेल जो होती है वो चारों तरफ एक बाउंड्री से क्या होती है, कवर होती है। ये रॉबर्ट हुक ने बताया हुआ था, इसीलिए कहा जाता है जब भी सेलुलर या सेलुला वर्ड यूज किया जाता है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक सेल की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसकी चारों तरफ, जो आप सेलुलर वर्ड यूज करते हो उसके चारों तरफ एक क्या होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सेल क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बाय बाउंड्री। एक एरिया जो है वो क्या है, पूरा क्लोज है किसी बाउंड्री से, उसी को हम सेलुलर कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एंटोनी वॉन लुवेनहॉक है, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो आप एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को अगर की बात करते हैं, तो उन्होंने रॉबर्ट हुक से भी पहले काम किया था। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने कंटिन्यू किया, इसलिए उनका वो चीज कहा जाता है, हम लोग कहते हैं। लेकिन एंटोनी वॉन लुवेनहॉक भी काम कर रहे थे इन 1673। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो काम किया है वो लिविंग सेल पे काम किया है। हम लोगों ने डेड सेल पे काम किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल पे किसने काम किया है, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की इनकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत अच्छी थी, 100 गुना अच्छी थी रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करें, रॉबर्ट ब्राउन ने जैसे जैसे डिस्कवरी, मैंने बार बार बोल रही हूँ कि जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, साइंटिस्ट की क्वेरीज बढ़ती गई कि ये सेल है क्या और इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1830 में एक डार्क पैचेस लाइक स्ट्रक्चर देखे, और उनको ये डार्क पैचेस लाइक स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने, एंटोनी वॉल ने लिविंग सेल की, और डेड सेल की आपके रॉबर्ट हुक ने। और सेल क्या है, एक कंप्लीट इनक्लोज्ड बाउंड्री है, एक ऐसा एरिया है, लिखा है एरिया इनक्लोज्ड बाई बाउंड्री नोन एज सेल। ठीक है, और सेल के अंदर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होना चाहिए। मतलब कि अगर आप देखोगे तो सेल सेल से आपको क्या, सेल है, सेल से टिश्यू, टिश्यू एग्रीगेट होकर के ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल का क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, बट उसके साथ साथ उसके अंदर कोई एक स्ट्रक्चर और फंक्शन भी परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो सेल एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो रखती ही है, बट उसके साथ साथ वो एक पर्टिकुलर फंक्शन भी परफॉर्म करती है। ठीक है बेटा, तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको शेप ऑफ सेल्स के बारे में डिफाइन किया गया है कि देखिए ये मल्टीपल शेप के ये सेल्स हैं, और ये जो सेल के शेप होते हैं वो हर जगह वैरी करते रहते हैं। कहीं डिस्क शेप शेप के हैं, कहीं कॉमा शेप के हैं, कहीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, कहीं इरेगुलर है। तो बहुत टाइप की सेल्स होती हैं जिनका अलग 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 आपको शेप नजर आता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है किसी एक ह्यूमन के स्पर्म का अलग आपको शेप नजर आएगा, गॉबलेट सेल का अलग आएगा। हर एक सेल का अपना अपना क्या होता है, शेप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द शेप ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द पोजिशन, ये डिपेंड करती है कि ये कहाँ पाई जा रही है। ठीक है, जैसे अगर हम आरबीसी की बात करते हैं, तो आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, आरबीसी एक ब्लड सेल है जिसका नॉर्मल शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव, ये बाइकॉनकेव शेप की होती है। ठीक है, पाइकॉनकेव, और आरबीसी इसके अंदर क्या होता है, ये मान लेते हैं अगर ये आरबीसी है, इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करती है, चार ऑक्सीजन को क्या करती है, बाइंड करती है, मतलब ऑक्सीजन को बाइंड करा के ये क्या है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से आरबीसी का जो कलर है वो क्या है, रेड है, इसीलिए रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हो। तो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, ठीक है, रेड कलर पिगमेंट है, पिगमेंट का मतलब जो कलर देने वाली होती है। तो ये ऑक्सीजन को क्या करती है, चार ऑक्सीजन को क्या करती है, बाइंड करती है, और ये ऑक्सीजन को बाइंड करके कहाँ से कहाँ पहुंचाती है, लंग से टिश्यू, और टिश्यू से लंग के थ्रू CO2 को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, यहाँ पर वही चीजों का जिक्र किया गया है। WBC जिसका शेप क्या है, इरेगुलर, ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस कराती है। WBC का एक्चुअल में मेन फंक्शन क्या है, WBC क्या देती है, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, मतलब कि ये इम्यूनिटी को इनहेंस करती है, ये इम्यून सेल्स को क्या करती है, इम्यून सेल्स को क्या करती है, फॉर्म करती है। ठीक है, इम्यून सेल जैसे न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, इओसिनोफिल, और भी मैक्रोफेजेस, डेंड्रियाटिक सेल, बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेज। ठीक है, तो इन सभी को क्या करती है, ये सारी जो इनका जो शेप है इरेगुलर है, और ये क्या परफॉर्म करती है, फैगोसाइटोसिस, मतलब कि ये जो हमारी एंटीजन है उसको क्या करती है, फैगोसाइटाइज करती है, मतलब मार देती है, और मार करके उसको क्या करती है, MSC के थ्रू रिप्रेजेंट करके उसको डिग्रेड कर देती है। ठीक है,
अब ये आते, नर्व सेल आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्स। आपको पता है नर्व सेल्स, आपको यहाँ पर दिखेगा ये नर्व सेल्स नजर आ रहा है। तो ये नर्व सेल्स में आपको क्या है, ये आपको अगर क्लियर दिख रहा है, ये नर्व सेल्स है और आपको पता है ये क्या है, डेंड्राइट्स है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये मल्टीपोलर न्यूरोन का हम लोगों ने स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये क्या करती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एग्जॉन है, राइट। ये क्या है, एग्जॉन है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि यहां से सिग्नल हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स क्या करती हैं, सिग्नल को रिसीव करती हैं, और यहां से लेकर के जो कि आपका एग्जॉन हिलॉक है, यहां से आपका क्या क्रिएट होता है, एक्शन पोटेंशियल। और ये एक्शन पोटेंशियल विदिन कहाँ जाता है, फिर लास्ट में जो कि एग्जॉन टर्मिनल है, ठीक है। यहां से यहां हम क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, ताकि इसी को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। यहां पर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आपका हाथ जलता है आप तुरंत हाथ हटा लेते हो, मतलब कि नर्व में क्या क्रिएट हो रही है, इम्पल्सेस। जैसे आप इलेक्ट्रिक विभाग से लाइट ऑन हुई, विद इन सेकेंड आपके सभी के घर में लाइट आ जाती है, वैसे ही नर्व सेल्स भी हमारे क्या करती हैं, ब्रेन के साथ मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, सीएनएस जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये नर्व सेल्स जो है वो हेल्प करती हैं इम्पल्शन में, मतलब कि विद ब्रेन को सपोर्ट करती हैं कि कौन सा सिग्नल देना है, ठीक है। क्योंकि इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज होते हैं, वो भी बहुत ढेर सारे रीजन है। तो यहाँ पर नर्व सेल्स जो है वो लॉन्ग तो होती हैं और ये क्या करती हैं, इम्पल्स को कंडक्ट कराती हैं। अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म की टेल जो होती है वो मोटैलिटी क्रिएट करती है। स्पर्म की जो ये टेल है, ये जो आप टेल देख रहे हो, राइट, ये टेल है, ये जो टेल है इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है, जिसको आप कैल्शियम चैनल होता है। तो इस कैल्शियम चैनल की वजह से क्या होता है, इसमें मोटैलिटी आती है। और यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये जो निबंकिन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट जिसको आप निबंकिन कहते हो, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया इसको क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प भी करता है, क्योंकि इसको एटीपी देनी होती है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो सेल का शेप लिखा हुआ है, और भी आपको लीवर सेल्स का दिख रहा है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं कि किसकी, ये कितने टाइप की आपको सेल्स नजर आ रही है। तो आप इस फिगर को, इनमें से अगर रिटन एग्जाम है तो आप ये सारी बातें लिख करके प्लस इसमें से कुछ फिगर्स को बना सकते हो, जो भी आपको इजी लग रहा है आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेल के साइज के बारे में। सेल के साइज की अगर हम बात करें तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लार्ज और लार्जेस्ट सेल, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल की जब भी हम बात करेंगे तो विदाउट अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ये चीजें ज्यादा पढ़ा रही हो, क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो आपको एनसीईआरटी आपने पढ़ी ही होगी, तो इसलिए उसको ओपन करके देखोगे तो सारी बातें आपको मिल जाएंगी। स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो विदाउट मेम्ब्रेन, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, बहुत से जगह आपको लगेगा दोनों सेम है, दोनों सेम भी है, लेकिन अगर साइज की बात एनसीईआरटी में की गई है तो साइज के बिहा पर ये क्या हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेल की साइज बता रही जा रही है, वॉल्यूम आपके में नहीं है इसलिए मैंने वॉल्यूम डिस्कस नहीं किया आपको। अगर यहाँ साइज देखेंगे तो साइज के बिहा पर अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दोनों आ रहा है, तो साइज के बिहा पर स्मॉलेस्ट सेल में आप पीपीएलओ लगाएंगे, जिसका प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आप इसको बोलते हैं। तो इसकी साइज अगर आप देखेंगे तो आपकी माइकोप्लाज्मा से भी ज्यादा छोटे है, 0.1 माइक्रोमीटर है और ये 0.3 माइक्रोमीटर है। माइक्रो ज्यादातर आपको सेल की जो यूनिट है वो माइक्रोमीटर में ही नजर आती है, ये पूछा भी गया है पीएचडी एंट्रेंस में। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक पूछा ही नहीं जाता, हर एक चीज पूछी जाती है, बट आप ध्यान नहीं देते हैं। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ की जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर साइज के भी यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाएगा तो दोनों की साइज अलग अलग है। अगर सबसे इन दोनों की कंपैरेटिवली अगर छोटा पूछा जाएगा तो हम पीपीएलओ का नाम देंगे, देन माइकोप्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है, आपको क्लियर होगा, ठीक है। जब ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में हम किसकी बात करेंगे, स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म की अगर हम बात करेंगे तो वो बहुत स्मॉलेस्ट सेल में माना जाता है। लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिच एग जो है उसकी अगर आप साइज देखेंगे तो 1.1 × 10^5 माइक्रोमीटर क्यूब है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें ओवम की, तो लार्जेस्ट सेल यहाँ पर आपको स्पर्म स्मॉलेस्ट दिख रहा था, लेकिन ओवम जो है वो लार्जेस्ट है, उसकी साइज अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां कंफर्मेशन नहीं होता वहां पर ऐसे स्टार बना होता है। तो आपको अप्रॉक्स बोला गया है कि 0.1 मिलीमीटर जो है वो उसकी क्या है, उसका डायमीटर आपका माना गया है।
ओवम की अगर हम साइज बोलते हैं तो ओवम का साइज इसलिए भी लार्ज होता है क्योंकि वो फूड मटेरियल को स्टोर करती है, ठीक है। फूड मटेरियल को स्टोर करने के साथ साथ ये इम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, इसलिए इसकी साइज जो होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल में एनिमल में आपकी नर्व सेल है जिसकी साइज 90 सेंटीमीटर है, और प्लांट में आपका यहाँ पर दिया है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम साइज ऑफ सेल्स की बात करें तो यहाँ पर और भी हम आपको दिखा रहे हैं। टिपिकल बैक्टीरिया, अगर उसने पूछा है टिपिकल बैक्टीरिया, तो 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर की हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोट का जो साइज है, देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, 10 से 20 माइक्रोमीटर, मतलब ज्यादा। लेकिन वही अगर वायरसेस की हम बात करें तो वायरसेस की साइज आपकी बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटी है, यहाँ पर क्या है, 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर और भी ज्यादा आपको छोटा देखने को मिलता है वायरस का। ये आपकी एनसीईआरटी का ही है तो आपको इजिली दिख भी रहा होगा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल की मैंने यहाँ लिख दिया है। हेन एग की बात करें तो वो लार्ज होता है, 60 x 55 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट की तो उसकी साइज होती है 1 to 100 माइक्रोमीटर। और एग्जाम्पल अगर किसी ने आपसे पूछा तो स्पोरोजॉइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। मल्टी सेलर यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो मल्टी सेलर यूकैरियोट में आरबीसी की जो साइज है वो 7 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स अगर एग्जाम्पल में ले रहे हैं तो एज ए कंपेरेटिव टू आरबीसी ये थोड़ी सी छोटी होती है, 6 माइक्रोमीटर होती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं। और ये डायग्राम, एक फ्लो चार्ट भी ड्रॉ किया गया है ऑस्ट्रिच एग का, अगर आप देखो, फिर हेन का देखो, यहाँ पर सबका पूरा एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया गया है, आपको क्लियरली यहाँ दिख भी रहा है। ऑस्ट्रिच एग का देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, लार्जेस्ट बैक्टीरियम कौन है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम की क्या है, माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट वायरस का दिखा हुआ है, ह्यूमन स्पर्म का। तो मैंने जैसे अलग से बताया, यहाँ पर आपका इस तरह से बना भी हुआ है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो आपका आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं ताकि आप लोग इसको समझ सके, बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, तो सेल थ्योरी क्या है, उसको किसने डिस्कवर किया है, कैसे कैसे सेल थ्योरीज आए, उसका बेनिफिट क्या है, कौन सी मॉडर्न सेल थ्योरी है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है, पहला वीडियो इसलिए बचाती हूँ, शॉर्ट रहे, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो वो फुली 1-1 घंटे का वो वीडियो होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।